छलना भाग एक। क्या थी माला की असलियत? अनुभव मौसी ने शाबाशी दी बेटी को। मान गए भाई, तूने तो टॉप हीरोइंस को भी मात कर दिया। क्या एक्टिंग थी तेरी, अब तो तू हीरोइन बनेगी। माला ने मौन व्रत धारण कर लिया। क्रोध से आपा खो बैठी रमा उसकी केस पकड़ कर चिल्लाई, जो अपने पति की नहीं हुई वह हमारी कैसे होती? तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद तेरा महेश हवास हालत में लुटा लुटा सा तुझे खोजा करता था। पता नहीं कहाँ है वह बेचारा। माला ने अचानक चुप्पी तोड़ी और चीखने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। घबरा कर रमा ने माला के केस छोड़ दिए। वहाँ रुकना उचित न समझकर सलभ ने रमा की बाह पकड़ी और उसे टैक्सी की ओर खींच कर ले चला। चलते चलते वह बोला, यहाँ तमाशा खड़ा ना करके हमें चुपचाप मेरठ में इसके तमाम कर्जदारों को इसका अता पता बता देना चाहिए, वही आगे की कार्यवाही करेंगे। अता पता इधर उधर देखते हुए दोहराया रमा ने। अरे यह कौन सी जगह है, हमें तो मालूम ही नहीं। रुको अभी आती हूँ, घर का नंबर गली मोहल्ला सब पता करके। रमा जैसे ही पलट कर माला के घर के पास पहुंची तो जड़ हो गई। माला ताली पीट पीट कर हंसते हुए पूछ रही थी, कहो माँ कैसी थी मेरी एक्टिंग, छुट्टी कर दी ना मैंने माला दीदी की, अब इधर आने की दोबारा जरूरत नहीं करेगी। अनुभव मौसी ने शाबाशी दी बेटी को। मान गए भाई, तूने तो टॉप हीरोइन को भी मात कर दिया। क्या एक्टिंग थी तेरी, अब तो तू हीरोइन बनेगी। सामने खड़े ही कर रहे थे महेश व माला के पिता। रमा को काटो तो खून नहीं, उसमें कुछ पूछने और सुनने की शक्ति नहीं थी। लौट कर आ बैठी कार में। पति को सारा वृत्तांत सुनाकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। सबकी मिली भगत थी, धोखा देकर पैसा अर्जने की, अपनी सफलता पर जश्न मना रहे थे सब। बड़ी ही मासूमियत से सरल हृदयी लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके छला था माला महेश ने। छलना भाग दो। एक शाम सलभ दफ्तर से अपने घर लौटा तो अपने गेट के बाहर पुलिया पर अकेली माता को माला को उदास बैठा पाया। रमा अपने परिचित के यहाँ लेडी संगीत में गई हुई थी। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। इस खूबसूरत जोड़े की असलियत जग जाहिर हो चुकी थी, इसलिए सबसे कर्ज मिलना बंद हो गया था। अब मकान मालिक भी इन्हें रोज आकर धमकाने लगा था। 6 माह से उसका किराया जो बाकी था। एक दिन क्रोधित होकर मकान मालिक ने माला के घर का सामान सड़क पर फेंक दिया और कोर्ट में घसीटने की धमकी देने लगा। पड़ोसियों के बीच बचाव से वह बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। रोज की अशांति और फसाद से सलब त्रस्त हो गया। उसका मेरठ से और नौकरी से मन उचाट हो गया। ना तो वह मेरठ में रहना चाहता था, ना ही वह दिल्ली वापस जाना चाहता था। इन दो शहरों को छोड़कर उसकी कंपनी की किसी अन्य शहर में कोई शाखा नहीं थी। आखिर नौकरी बदलने की इच्छा से सलब ने मुंबई की एक फर्म में आवेदन पत्र भेज दिया। एक शाम सलब दफ्तर से अपने घर लौटा तो अपने गेट के बाहर पुलिया पर अकेली माला को उदास बैठा पाया। रमा अपनी परिचित के यहाँ लेडीज संगीत में गई हुई थी। देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम के कारण वह शीघ्र लौटने वाली नहीं थी। पूछने पर माला ने बताया कि 6 माह से किराया नहीं देने के कारण मकान मालिक ने उसकी व महेश की अनुपस्थिति में मकान पर अपना ताला लगा दिया है। महेश उसे यहाँ बैठा कर मकान मालिक को मनाने गया था। सुलभ कुछ देर तक तो दुविधा की स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने माला को अपने घर के अंदर बैठने के लिए कहा। घर के अंदर आते ही माला सलभ के गले लगकर बिखर कर रोने लगी। हालांकि सलभ बुरी तरह जुड़ा हुआ था माला महेश की हरकतों से, पर खूबसूरत माला को रोती देखकर उसका हृदय पसीज उठा।